कोरोना वायरस की वजह से जो हालात पैदा हो गए हैं वो किसी से पोशीदा नहीं हैं। ऐसे में जामिया निज़ामिया हैदराबाद की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि रवां साल जामिया निज़ामिया की जानिब से चिरम क़ुरबानी की वसूली का काम नहीं किया जाएगा। जामिया की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए बताया गया है कि वबाई हालात, कारकुनान, वसूली के अदम दस्तियाबी और मुमकिन ख़तरात से हिफाजत की खातिर यह फ़ैसला किया गया है। ज़िम्मेदारान ने ज़ेली मराकस और अवामुन्नास से ख्वाहिश की गई है कि वो क़ुरबानी के चर्म जमा ना करें और साथ ही जामिया निज़ामिया को चर्म क़ुरबानी भेजने की ज़हमत भी ना करें। तेलंगाना के ज़िले सूर्यापेट में जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। ज़िले के वेलाचेरू चिंतालापालम मंडलों में कल रात 11:30 बजे भारी आवाज़ों के साथ ये झटके महसूस किए गए, जिसके साथ ही लोग खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल गए। कई अफराद ने अपने घरों के बाहर ही रात गुजारी। कई अफराद को अपने रिश्तेदारों की फ़ोन पर खैरियत मालूम करते हुए भी देखा गया। झटकों से किसी भी किस्म की जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। जलजले की पैमाइश क्या थी इसके बारे में महकमे ने तौसीख नहीं की। तेलंगाना के एजेंसी इलाकों में पुलिस ने बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की है। पुलिस ने मुलुक, जयशंकर, भूपालापल्ली, कोमरम भीम, आसिफाबाद, भद्राद्री कुत्तागुड़म के एजेंसी इलाकों में चौकसी इख्तियार की है और नेक्सलाइट के किसी भी नागहानी वाक़े को रोकने के लिए नज़र रखी है। पुलिस ने कई इलाकों में तलाशी मुहिम अंजाम दी। दूसरी जानिब नक्सलाइट को पकड़ने के लिए जंगल के इलाके में जाने वाले पुलिस के ग्रे हॉर्न्स डिपार्टमेंट के 14 मुलाजमीन कोरोना से मुतासर पाए गए हैं। अब तक तेलंगाना के ज़िले वरंगल में 14 ग्रेहॉर्न्स मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। उनके तलाशी मुहिम में हिस्सा लेने पर मजीद मुलाजमीन के कोरोना से मुतासिर होने का खदशा जाहिर करते हुए आला अहदेदारों ने उनको मशवरा दिया कि वो अपनी जांच करवाएं, जिसके बाद स्पेशल पार्टी पुलिस ने जांच भी करवाई।